प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वेलकम टू ऑर्किड मॉल जो कि है गुलबर्गा की शान यानी कलबुर्गी में। ये एक्चुअली पड़ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे के सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग में ही चलते रहिए आपको ऑर्किड मॉल मिल जाएगा। फिलहाल सबसे व्यस्तम मॉल है। अच्छा, आपको एक कहानी मैंने सुनाई थी कि कैसे भारत का राष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्यों बोला जाता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्यों बोलते हैं, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को। तो राष्ट्रपति जो शब्द है वो राष्ट्रकूटों से आया है जो कि एक समय में कर्नाटक से बढ़ते बढ़ते पहुँच जाते हैं कन्नौज और फिर उसके बाद दक्षिण में बढ़ते बढ़ते पहुँच जाते हैं कन्याकुमारी। तो राष्ट्रकूट जो स्थापना होती है वो दंती दुर्ग द्वारा की जाती है और बाद में उनके आने वाले टैलेंटेड और काफ़ी शक्तिशाली जो सम्राट होते हैं वो अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अच्छा, ये है ट्रैफिक जैम, ये रहा ऑर्किड मॉल पीछे साइड। और अब मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, रात को ट्रेन है बादामी के लिए। वापस लौटते हैं इतिहास के पन्नों में, कहानियों में। राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग के बाद काफ़ी उनके जो आने वाले वंशज थे वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। तो सबसे पहले जो शक्तिशाली शासक थे उनका नाम था ध्रुव। ध्रुव की लड़ाई होती है वत्सराज परिहार से और धर्मपाल से। धर्मपाल का आपने नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा पता नहीं, लेकिन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम जरूर सुना होगा जो बाद में दिल्ली के सुल्तानों ने जला दिया था। उसे धर्मपाल ने ही बनाया था और धर्मपाल को ध्रुव राष्ट्रकूट ने हराया था। अच्छा, तो वत्सराज परिहार और ध्रुव दोनों हार जाते हैं। दूसरे आते हैं उनके बाद, वो कहलाते हैं गोविंद, और गोविंद का भी लड़ाई धर्मपाल से होती है। और इसी वक्त आ जाते हैं नागभट्ट द्वितीय जो कि परिहार राजा रहते हैं। तो नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल दोनों हार जाते हैं गोविंद से। अच्छा, गोविंद के बाद शासन आता है अमोघ वर्ष का। पट्टाडकाल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि बादामी से लगभग 24 किलोमीटर आगे है, पट्टाडकाल कहलाती है। अगर आपके पास समय हो और आप बादामी जा रहे हैं यानी बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है तो आप पट्टाडकाल जरूर जाएंगे क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत में सिर्फ 40 ऐसे स्थल हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। तो उन्होंने यानी अमोघ वर्ष ने उस पट्टाडकाल को बनवाया था। अमोघ वर्ष के बाद अगले शासक होते हैं कृष्ण, और ये भी इनकी फाइट होती है मीर भोज से। शुरू में जब मीर भोज इनसे टकराते हैं तो मीर भोज को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब कृष्ण बिजी हो जाते हैं सदर्न इंडिया के राजाओं से लड़ने में तो मीर भोज वापस से अपनी खोई हुई टेरिटरी और कन्नौज दोनों पर अधिकार कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट ही सही, मीर भोज वापस से कन्नौज पर अधिकार करके सबसे शक्तिशाली राजा बनने का गौरव प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ से कृष्ण के बाद लगातार राष्ट्रकूटों का डाउनफॉल चालू रहता है और धीरे धीरे एक समय आता है कि उनके आखिरी शासक यानी कार्क, जिनकी हत्या कर दी जाती है कल्याणी के तैलप द्वितीय के द्वारा, और कल्याणी चालुकों का फिर से शासन चालू हो जाता है। तो कल्याणी फिलहाल गुलबर्गा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो अगर आपके पास समय हो कल्याणी घूमने जरूर जाएँ। फिलहाल वहाँ पर अब मंदिरों के अलावा ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जाया जा सकता है। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।